हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये हमारे पास एक बल्ब होल्डर है और ये है स्विच जो कि बेड स्विच है, और इसका जो कनेक्शन वो हो चुका है। यहाँ पर जो बल्ब होल्डर है और स्विच का कनेक्शन हो चुका है। तो हमारे एक सब्सक्राइबर का कमेंट है कि सर, हम इस बल्ब में एक बल्ब और कैसे जोड़ सकते हैं, यानी कि एक स्विच से हम दो बल्ब को कैसे ऑन ऑफ कर सकते हैं। बहुत ही आसान है। अगर आप इसका कनेक्शन जानना चाहते तो आई बटन में लिख देंगे कि आप जाकर वहाँ पर देख सकते हैं। आई बटन में लिंक मिल जाएगा आपको, आप देख सकते हैं कि इसका कनेक्शन कैसे हुआ है। ठीक है, और अभी आपको बताएंगे कि आप इस बोर्ड में, सॉरी, इस बल्ब होल्डर में कैसे एक और बल्ब लगा सकते हैं। ठीक है, और स्विच यही रहेगी जो कि बेड स्विच है। आप एक स्विच से दो बल्ब को ऑन ऑफ कर सकते हैं, ये बेड स्विच है। तो बेड स्विच से दो बल्ब को कैसे ऑन ऑफ करेंगे? ठीक है, तो बहुत ही आसान है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ऐसे वीडियो देखने के लिए। दोस्तों, यहाँ पर जो स्विच है, आपको इसका कनेक्शन दिखा देते हैं एक बार, जिससे आपको आसानी होगी समझने में। ठीक है, तो यहाँ पर इसको ओपन कर देते हैं सबसे पहले। तो जब भी आप जानते होंगे कि जो स्विच का कनेक्शन किया जाता है वो फेज़ वाले वायर में होता है। ठीक है, यानी कि फेज़ को हम स्विच में लगाते हैं, उसी से हम ऑन ऑफ करते हैं। ठीक है, न्यूट्रल का कोई भी काम नहीं होता स्विच में। ठीक है, आप देख सकते हैं जहाँ जो हमारे न्यूट्रल वायर है, इससे कोई भी कनेक्शन नहीं है। हमने फेज़ वाली वायर को यहाँ पर कनेक्ट किया, एक पॉइंट इसमें, एक पॉइंट इसमें, बीच पर से कट करके। ठीक है, तो इस तरह कुछ इसका कनेक्शन है। और हमें एक बल्ब और जोड़ना है। ठीक है, तो इसको हमने ओपन कर लिया और ये हमारा दूसरा बल्ब होल्डर है। ठीक है, और ये है इसकी वायर। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें वायर लगा लेते हैं, जो कि बहुत ही आसान है। ऐसे आप इसको लगा सकते हैं और इसमें ऐसे इसको लगा सकते हैं। ठीक है, और हम पेचकस से इसको कस देते हैं। ठीक है, तो इसको हमने कनेक्ट कर दिया है। अब इस बल्ब को हम इस बल्ब के साथ कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो पहले इसका हम होल्डर लगा लेते हैं। ठीक है, हमने होल्डर लगा लिया इसका, और इसको हम बंद कर देते हैं, जो कि बहुत अच्छा है। ठीक है, और अब इस वायर को हम इसके होल्डर से निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको हम निकाल लेते हैं और इनके साथ कनेक्ट कर देते हैं, फेज़ को फेज़ में और न्यूट्रल को न्यूट्रल में। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप एक ही स्विच से, यानी कि इस स्विच से आप दोनों बल्ब को ऑन ऑफ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको हम निकाल करके देना है और इसको इसमें कनेक्ट कर दे रहे हैं। ठीक है, अब इसमें हम इसको लगा लेते हैं। ये हमने लगा दी, अब इसको भी यहाँ पर हम इसको लगा लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो गया। अब इसको हम बंद कर देते हैं। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि इस बल्ब के साथ हमारा ये बल्ब भी कनेक्ट हो चुका है। ठीक है, और स्विच का जो हमारा कनेक्शन है वो वैसे ही है। ठीक है, आपको दिखाने के लिए अब इसको हम फिर से बंद कर देते हैं। ठीक है, ये ठीक है, तो आप देख सकते हैं एक स्विच से दो बल्ब को हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, सिंपल सा कनेक्शन है। हमने फेज़ को फेज़ में लगा दिया, न्यूट्रल को न्यूट्रल में लगा दिया, हमने दो बल्ब एक साथ कर लिया है। अब ये दोनों बल्ब इस स्विच से ऑन ऑफ होंगे। ठीक है, अब हम इसको हम चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक्सटेंशन बोर्ड है, यहाँ पर आप देख सकते हैं लाइट आ रही है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये लाइट जल रही है और हम इन दोनों वायर को इसमें कनेक्ट करते हैं। ठीक है, इसको हम इस साइड कर लेते हैं, इस स्विच से हमें इसको ऑन ऑफ करना है। ठीक है, तो ठीक है, कुछ इस तरह से ये है। ठीक है, तो दोस्तों आप देख सकते हैं हमने लाइट यहाँ पर जल रही है और हमने कनेक्ट कर दिया। ठीक है, हमने बल्ब स्विच को यहाँ पर रखा है, दोनों बल्ब को यहाँ पर रख दिया। ठीक है, जैसे पास पास में, जिससे आपको दिखे। ठीक है, अब हम यहाँ पर बल्ब को लगाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास रेड बल्ब है, इसको भी हम यहाँ पर लगा लेते हैं, और ये हमारे पास है
और ये हमारे पास वाइट बल्ब है, ठीक है, इसको हम यहाँ पर लगा लेते हैं, ठीक है। और ये लाइट हम बंद कर दें जिससे आपको आसानी से दिखे कैसा ये लगता है, ठीक है। हमने इसको बंद कर दिया, अब हम स्विच को ऑन करते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे दोनों बल्ब हैं जो जल रहे हैं, ठीक है। आपको एक निकाल के दिखाते हैं, आपको इसको हम निकाल के दिखाते हैं। देखिए वाइट वाला जल रहा है और यहाँ से इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। और रेड वाला लगा देते हैं और वाइट को निकाल लेते हैं, इसको भी हम ऑन ऑफ कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि आप एक स्विच से दो बल्ब को ऑन ऑफ कर सकते हैं। और ये बिट स्विच है तो आप इसे कहीं भी लगा सकते हैं, जैसे स्विच में बोर्ड होते हैं, सॉरी जैसे बोर्ड में स्विच होते हैं उस तरह आप केवल बोर्ड से इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। लेकिन इसको आप कहीं भी लगा सकते हैं, अपने बेड के पास लगा सकते हैं, जहाँ पर आप रहते हैं या फिर बैठते उठते हैं वहाँ पर भी लगा सकते हैं इसको आसानी से ऑन ऑफ करने के लिए, ठीक है। दोस्तों आपको कनेक्शन समझ में आ गया होगा, अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे वीडियो देखने के लिए। दोस्तों कनेक्शन बहुत ही आसान है, हमने एक स्विच से दो बल्ब को कनेक्ट करके दिखाया है, ठीक है। तो अगर आपको कोई कमेंट हो तो कमेंट जरूर करें, धन्यवाद।